बल्लभगढ़ के मोहना रोड स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल में गलत इंजेक्शन लगाने से हुई 7 महीने के बच्चे की मौत से गुस्साए परिजनों ने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की। परिजनों का आरोप है कि बार बार मना करने के बावजूद 7 माह के बच्चे को इंजेक्शन लगाया गया। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाया कि जिस तरीके से बच्चे का इलाज करना चाहिए था, उस तरीके से अस्पताल के स्टाफ ने बच्चे का इलाज नहीं किया, बच्चे की मौत हो गई और उसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ कर हंगामा किया। हालांकि पूरे मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस को दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और मामले की जांच बोर्ड के माध्यम से करवाने की बात कही है। ये एक तो होता है कि इसकी जांच कराई जाएगी कमेटी से, जो बोर्ड बैठता है कि ये इलाज ठीक चल रहा है, इनसे समरी लेके और डॉक्टर ने ठीक इलाज किया था या गलत किया था, जी, वो रिपोर्ट देती है बीके की, जो सीएमओ की जो कमेटी होती है, उसके बाद पर्चा दर्ज होता है जी। पोस्टमार्टम कराएंगे लिख के और बोर्ड से पोस्टमार्टम कराएंगे, जो भी हमारे पास आएगा उसे जो भी होगा। बच्चे के जो परिजन है उनका कहना है कि दवाई जो इंजेक्शन लगना था वो मशीन के द्वारा लगना था, परंतु इन्होंने हाथ से लगा दिया और इसके जिसके चलते बच्चे की मौत हो गई। तो इसको लेकर के भी जो परिजन की जो शिकायत है कि उसके आधार पर भी कोई कार्रवाई इसके खिलाफ, उसके आधार पर जब भी तो पोस्टमार्टम कराएंगे बोर्ड से पोस्टमार्टम, कॉज ऑफ डेथ बोर्ड से पता चलेगा। दूसरा, जिनके जो इलाज किया है इनसे डिस्चार्ज, जो इनकी समरी है इलाज की, वो समरी लेके दरखास्त लिख के सीएमओ साहब को दरखास्त देंगे। सीएमओ साहब का बोर्ड है, वहाँ बैठता है कमेटी बैठती, बोर्ड है वहाँ पर, कई डॉक्टरों का पैनल है जी, वो पैनल इसकी इंक्वायरी करता है, उसके बाद रिपोर्ट देता है, डॉक्टर के खिलाफ पर्चा दर्ज हो जाता है। क्या क्या डॉक्टर पहुँचे हैं अभी? सुबह का फोन करा, वो डॉक्टर आए, डॉक्टर डॉक्टर साहब आए हैं अभी? नहीं आए जी, मुझे डॉक्टर साहब नहीं मिले हैं यहाँ पे, फोन भी नहीं किया। डॉक्टर का मैं तो पूछा, जो दूसरा एक और डॉक्टर है वो है, और जो जीएनएम में जिसने इंजेक्शन लगाया मौजूद है, डॉक्टर मौजूद है, वो मैडम भी, नीलम मैडम मौजूद है। देखिए, पुलिस की जो कार्रवाई है वो पुलिस अपने तरीके से करेगी, पर कहीं ना कहीं जो अस्पताल में हम देख रहे हैं कि दो लोगों से अगर बात की है, और एक बार हम जो यहाँ पर डॉक्टर है उनसे भी चाहेंगे बात करने की, अगर बात हो पाती है, यदि वो कहते हैं तो जरूर बात करेंगे। डॉक्टर आप यहाँ पर हैं? मैनेजमेंट देखते हैं। अच्छा, जो मैं ये जानना चाहता था, मेरा नाम नीलम गोयल है। क्या लगती है आप, जो बच्चा मैं इसकी ताई जी लगती हूँ, बड़ी, सबसे बड़ी ताई। क्या हुआ है 7 महीने के बच्चे के साथ जो हादसा हुआ उसको बताओ। वो है ना, 3-4 दिन पहले से बीमार था, तो और लोग और हॉस्पिटल में भी दिखाया, फिर यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा था, उन्होंने बोला सुबह शाम इंजेक्शन लगने हैं, तो 2-3 दिन पहले भी लगवा के गई हूँ, आज लगवाने लेकर आई तो उन्होंने इंजेक्शन पता नहीं कौन सा दिया, देखो हम तो हमें नहीं पता, तो डॉक्टरों को या नर्स को पता है कि क्या दिया क्या नहीं दिया। उसके बाद वो बच्चा मतलब बोल नहीं रहा, आँख ऐसे, मतलब हमें नहीं पता कि क्या हुआ। उन्होंने बच्चे की माँ ने बोला कि हमें बच्चा दिखा दो, वो बच्चे को सीधे ऊपर गोद में लेके सीधे ऊपर चढ़ गई, उन्होंने बच्चे को अभी तक नहीं दिखाया कि क्या हुआ, हमें कुछ नहीं पता, अभी भी नहीं दिखा, हमें दिखाई नहीं है बच्चा। आपको किसने बताया कि आपका बच्चा जो है वो बच्चा आग नटेर गया, मतलब ऊपर रोने लगी, वो नर्स रोने लगी, वो सारी की सारी होपलेस हो गई, और उनके जो गांव वासी के उन्होंने और लोग भी बुला लिए सारे। हम इंसाफ चाहते हैं, हमारा बच्चा खत्म हुआ है, हमें पता है बस, हमें नहीं पता। ये डॉक्टर है ना, इसके लाइसेंस रद्द होना चाहिए, जितना भी इसने खोला है। राजीव कुमार, मैं एक जीएनएम स्टाफ हूँ विद एक्सपीरियंस 3 इयर्स। कहाँ एशियन में भी किया हुआ है मैंने, अश्विनी हॉस्पिटल में किया हुआ है इससे पहले, और 2 साल से अभी मैं यहाँ हूँ। कहाँ, कोई डिग्री आपने कहीं से? जीएनएम नर्सिंग स्टाफ की मैंने, फ्लोरेंस कॉलेज से की हुई है, और 3 दिन से इस बच्चे का ट्रीटमेंट जो सर ने लिख रखा वो मैं ही फॉलो कर रही थी। कौन सा इंजेक्शन लगाया इस बच्चे के? अजिथ्रोमाइसिन चल रहा था और अमोक्सिलिन चल रहा था। किस चीज़ के इंजेक्शन है ये? बच्चे को एंटीबायोटिक होते हैं, कोर्स के बाद चल रहे थे, बच्चा डिस्चार्ज हो गया था, सर ने बोला हुआ है कि इनको, इन्होंने ये डिस्चार्ज करा के ले गए हैं कि बच्चे को ये इंजेक्शन चलेंगे सुबह शाम, तो इंजेक्शन लगवाने के लिए आ रहे थे रात भी, मैंने ही उस बच्चे को इंजेक्शन दिया। किस चीज़ से दिया था आपने इंजेक्शन? डिसॉल्व करके सिरिंज से ही देते हैं, 10 ml की, जैसे हाथ से दिया था या मशीन से? मैंने उसे जैसे प्रोसीजर से देते हैं उसी हिसाब से। मेरा सवाल वही है, मेरा भी वही था, जैसे उन्होंने वो घर से लेके आए हैं इंजेक्शन, और जिस प्रोसीजर से एक जीएनएम स्टाफ को देना चाहिए, और जैसे मैं 3 दिन से बच्चे को देती आ रही हूँ, वैसे ही उसी हिसाब से मैंने बच्चे को इंजेक्शन दिया है। तो आपने हाथ से दिया ये कहने का? नहीं, मैंने हाथ से नहीं दिया, मशीन से दिया है। मशीन से दे रही हूँ मैं इंजेक्शन सुबह शाम, और जिस प्रोसीजर से चलता आ रहा वही दिया है। अच्छा, परिवार पर आरोप लगा रहा है कि आपने हाथ से दिया है इंजेक्शन, और जिसके बाद बच्चे जो है, बच्चा उसको नहीं संभाल, बच्चे का कैनूला लगा हुआ है, जब बच्चे को कैनूला लगा होता है तो उसका ब्लड क्लॉट हो जाता, तो उसको फ्लश करने के लिए 10 ml की सिलिंज से NS
से मैंने उसको पुश किया है। तो आप ये मानते हैं कि आपकी लापरवाही नहीं है? मेरी लापरवाही बिल्कुल नहीं है सर। अगर ऐसा होता तो मैं 3 दिन से उस बच्चे को, उसकी मदर से पूछ सकते हो, 3 दिन से उस बच्चे मदर से ही बात कर रहे हैं। मदर कह रही है कि उन्होंने गलती की है और गलती के चलते सर, मैं अपनी गलती नहीं मानती हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं भी एक जीएनएम स्टाफ हूँ, एक्सपीरियंस हूँ, कोई न्यू स्टाफ।